निवीर फौजियों, तो चलिए शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर लगाने का। बिल्कुल नया मॉडल टेस्ट पेपर होगा हमारा 17 अप्रैल 2023 से आर्मी परीक्षा, आर्मी जीडीओ ट्रेडमैन के लिए। आर्मी ऑनलाइन परीक्षा आपकी 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आज से देखोगे तो बस 1 महीना का समय और आपके हाथ में है। जो भी करना है आपको इसी 1 महीने में करना है, जो भी पढ़ना है इसी 1 महीने में पढ़ना है, तभी जाके वर्दी मिलेगी, तभी इंडियन आर्मी में जाने का सपना जो है पूरा हो पाएगा। सिलेबस अपना पैटर्न याद रखना, जीके का 15 सवाल रहेगा, जीएस का 15, मैथ का 15 और रीजनिंग का 5 सवाल आपका टोटल होने वाला है। इस बार बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा जैसा पढ़ा रहा हूं, देखो सेम पेपर देखने को मिलेगा। और इंडियन आर्मी का पेपर में 50 में से 45 प्लस सवाल सही करके आओगे, बस जैसा बोल रहा हूं वैसा 1 महीने तक करते जाओ और आप सभी मुझे सिलेक्शन लेके वर्दी में मिलोगे। तो चलो क्लास को, सेशन को शुरू करेंगे। जल्दी से सारे लोग एक एक बार लाइक कर लेंगे क्लास को, सभी शेयर कर देंगे अपने हर एक ग्रुप में, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन है कि अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, फल्गु, गंगा, सरयू। 3 ऑप्शन है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे सबको। जो गंगा, अयोध्या है यह देखो किस नदी के तट पर स्थित है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो जो अयोध्या है यह देखो आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी, सरयू नदी के तट पर। ठीक है, सी हो गया सबका, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही सबका आंसर है। चलो अगला सवाल है, यहाँ पे देखो कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी एन राव, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे, सभी का आंसर जो है आना चाहिए। भारत के संविधान के निर्माता कौन है, तो ये है देखो बी आर अंबेडकर जी। जो बी आर अंबेडकर हैं इनको देखो भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, विच स्टेट हैज द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम। गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, डी नंबर ऑप्शन में देखो आपका दिया हुआ है गुजरात। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है यह देखो सबसे अधिक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। मैंने कुछ दिन पहले ही सबको पढ़ाया है, तो अगर पहले वाला क्लास सही से अटेंड किया हो तो सबको बना पाओगे। ठीक है, देखो जो सही आंसर है यह देखो होता है ऑप्शन ए, गोवा। ठीक है, जो गोवा है इसके राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और अगर पूछा जाएगा कि सबसे कम किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय है, तो सबसे कम जो है देखो आय है बिहार राज्य का, सबको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अधिक में गोवा और कम में बिहार प्रति व्यक्ति आय। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका देखिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका कि जवाहर सुरंग नाम किस पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। द नेम जवाहर टनल हैज बीन गिवेन टू विच नेचुरल माउंटेन पास, कौन सा ऐसा पास है जिसको देखो जवाहर सुरंग नाम दिया गया है। पीर पंजाल दर्रा, बुंदेल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर सिपकिला दर्रा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैंने कुछ दिन पहले ही सबको करवाया था, मैंने बताया था कि जवाहर सुरंग कहाँ पे है, तो यदि पूछा जाएगा कि जवाहर सुरंग कहाँ पे है तो याद रखना है जवाहर सुरंग जो है यह देखो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। अब जवाहर सुरंग किस पर्वतीय दर्रे में है, तो उस दर्रा का नाम याद रखोगे वो दर्रा है देखो आपका बनिहाल दर्रा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है, इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया, किसके द्वारा जो है भारत में करेंसी नोट जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में जो करेंसी नोट है यह कौन सा विभाग जो है जारी करता है, किसके द्वारा जारी होता है, तो यह देखो जारी होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यह जारी होता है देखो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी। ठीक है, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे, यह देखो दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन द ईयर 1861, 1891, 1893 या फिर 1896। ठीक है, ये क्या होगा सही आंसर, याद रखिएगा कभी कभी 1896 को जो है 1897 भी लिखा जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से करना और सबको बताना है। बिल्कुल सही सबको करेंगे और यहाँ पर बताइएगा, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की है यह देखो की है 1897 में, या फिर इसको 1896 भी लिख देता है, सही आंसर डी होगा। अगला सवाल मिला हुआ है देखो कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, हु कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा सही आंसर, मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है किसके द्वारा किया जा सकता है, तो यह देखो राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्या होता है सही आंसर, तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है
मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। सही आंसर सी होगा, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है आपका कि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। भारत में जो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन सा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो भारत में फलों का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है यह देखो आंध्र प्रदेश राज्य में होता है, सभी को ध्यान में रखना है। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, डी करने वालों का आंसर देखो यहाँ पे सही है, सबको याद रखिएगा, एपी आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि भारतीय संसद में कितने सदन है, हाउ मेनी हाउसेज देयर आर इन द इंडियन पार्लियामेंट, एक, दो, तीन या फिर चार। ये वाला सवाल देखो लगातार तीन से चार साल से इंडियन आर्मी में पूछ रहा है और किसी को भी गलती नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैंने सभी को जो है ये वाला पढ़ा रखा है, ठीक है। तो चलिए सभी का आंसर जो है यहाँ पे आना चाहिए, क्या होगा सही आंसर, तो भारतीय संसद के देखो कुल दो सदन है, ठीक है, याद रखिएगा भारतीय संसद के कितने सदन है, दो सदन है। बात आती है कौन कौन सी तो नोट भी कर लेना, नहीं तो बाद में बोलोगे कि सर तीन होता है तो आपने दो कैसे बता दिया। तो याद रखना सदन पूछेगा तो दो होता है, राज्यसभा और लोकसभा, और यदि अंग पूछेगा तो अंग मतलब कि पार्ट्स, तीन होता है, ठीक है, एक हो गया राज्यसभा, एक हो गया लोकसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, दोनों अलग अलग है। सदन में दो हो गए, अंग में तीन हो गए, ठीक है, सबको को जो है ध्यान में रखना है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको मिला हुआ है, ये क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे, ये देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, चलिए सबको करेंगे और बताएंगे BHU के संस्थापक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन आर्मी में देखो 2018 से लेकर 2021 तक पूछा गया, लगातार तीन साल से आया है और इस साल भी आने का पूरा चांस है, ठीक है। चलो जल्दी से करना और सबको बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है देखो BHU की स्थापना हुई थी, जो BHU है इसकी स्थापना की है मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है, सही आंसर क्या होता है, तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, ये भी सवाल आपका पूछा हुआ है इंडियन आर्मी में, बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया, ठीक है, हु लेड द बारदौली सत्याग्रह 1928, राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर जमुना लाल बजाज ने। निम्न में से किसके द्वारा जो है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया, वह कौन है जिसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व, वल्लभ भाई पटेल होगा, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, जो सही आंसर है यह देखो सी होता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सही आंसर है। दिया हुआ है देखो कि लॉर्ड मैकॉल संबंधित है, लॉर्ड मैकॉल इज रिलेटेड सेना सुधार से, सती प्रथा के समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर अस्थाई बंदोबस्त से। जो लॉर्ड मैकॉल है इनका संबंध निम्न में से किसके साथ है, जो लॉर्ड मैकॉल है या किससे संबंधित है, तो यह देखो संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, सबको ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश एजुकेशन से जो है देखो लॉर्ड मैकॉल संबंधित है। यहाँ पे अगला सवाल देखो आपको दिया गया है कि पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है, इन विच कंट्री इज द टावर ऑफ पीसा लोकेटेड, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में या फिर पर्सिया में। जो पीसा की मीनार है यह कहां पर स्थित है, मैंने कुछ दिन पहले ही सबको नोट करवाया है, बस क्वेश्चन लिखने का तरीका कुछ और था और आज का क्वेश्चन आपको किसी और तरीका से लिखा गया है, चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो पीसा की मीनार जो है यह देखो इटली में स्थित है, कहां पे है, तो इटली में है, ठीक है, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, अंदर सप्पा बहुत ही अच्छे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, न्यूटन ने, केपलर ने, कॉपरनिकस ने, डी में दिया हुआ है गैलीलियो। ग्रहों की गति का जो नियम है यह निम्न में से किसने दिया है, तो ग्रहों की जो गति का नियम है यह देखो दिया गया है केपलर के द्वारा, क्या होता है सही आंसर, तो ऑप्शन बी केपलर, ठीक है, हो गया सबका। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, ये आपका दिया गया है जीके का अंतिम सवाल है, इसके बाद जो है देखो आपका साइंस शुरू हो जाएगा, ठीक है, जीके का 15 नंबर सवाल है, इसके बाद आपका साइंस शुरू होगा। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको मिला हुआ है, ये सवाल है आपका कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, विच प्लेनेट इज द फार्देस्ट फ्रॉम द सन, शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर वरुण। निम्न में से वह कौन सा ग्रह है जो कि देखो सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है, तो यह देखो नेपच्यून है, यह जो आपका वरुण है, ठीक है, जो वरुण ग्रह है यह सबसे दूरी पर स्थित है। सबसे नजदीक सूर्य से कौन सा है, तो नजदीक में याद रखोगे बुध है, ठीक है, नजदीक बोला जाएगा तो मरकरी बुध होता है, ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां से आपका साइंस शुरू हो रहा है, 16 नंबर सवाल है आपका देखो कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर डी में है नन ऑफ दीज, क्या होगा सही आंसर। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है,
तो वह कोशिका है देखो आपकी तंत्रिका कोशिका। क्या हो गया सही आंसर? तो ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका जो है आपका देखो सही आंसर होगा। ठीक है चलो अगला सवाल देखो यहां पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका कि कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड, एंथ्रोपोलॉजी एंटोमोलॉजी ओंटोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी। पूछा हुआ सवाल है जीडी वालों का देखो 2020 का सवाल है एंड नर्सिंग असिस्टेंट वालों का 2021 में आ रखा है। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कीड़ों का जो अध्ययन है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको देखो एंटोमोलॉजी बोलते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही। सवाल देखो मिला हुआ है कि झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, फॉल्स गोल्ड इज नोन एज SnS1 FeS2 FeCl3 Fe2O3। क्या होगा सही आंसर? झूठा सोना के नाम से जो है किसको जाना जाता है? तो झूठा सोना के नाम से देखो ऑप्शन बी को जानते हैं, मतलब कि FeS2 को जानते हैं। ठीक है क्या हो गया सही आंसर? तो ऑप्शन बी। सूत्र याद रखना, झूठा सोना का जो सूत्र है यह देखो FeS2 होता है, सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग इथाइल अल्कोहल इन एक्सेस, किडनी पर, लीवर पर, हृदय पर या फिर आंत पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पूछा हुआ सवाल है देखो जीडी वालों का 2020 में आया है, इसको किसी और तरीके से पूछा था कि अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो यह देखो पड़ता है लीवर पर। ठीक है अब याद रखिएगा शराब और इथाइल अल्कोहल एक ही चीज है, इथाइल अल्कोहल को ही शराब बोलते हैं। ठीक है हो गया यहाँ पे सबका बी सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया सबका सही आया है, बहुत ही अच्छे ऐसे ही सही सबको करते चलोगे। चलो अगला सवाल है देखो कि कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, व्हाट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीरा एंथ्रासाइट ग्रेनाइट या फिर ग्रेफाइट। क्या होगा सही आंसर? निम्न में से वह क्या है जो कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे अपना अपना आंसर। तो ऊष्मा और विद्युत का जो सुचालक है यह देखो ग्रेफाइट है। ठीक है ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, सभी को जो है ध्यान में रखना है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है राइट आंसर डी है, सबको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखो यहां पे दिया हुआ है कि रसायनों का सम्राट कहलाता है, द किंग ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रस अम्ल। रसायनों का सम्राट किसको बोलते हैं? पूछा हुआ सवाल है जीडी का एंड आपका टेक्निकल का दोनों में जो है आया हुआ है। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। रसायनों का सम्राट कौन कहलाता है? तो यह देखो कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, यह कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है देखो H2SO4, सबको ध्यान में रखेंगे। ठीक है चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे। ये सवाल है देखो आपका कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, विच गैस इज मेनली इन द मिक्सचर ऑफ गैसेज कमिंग आउट ऑफ द सेप्टिक टैंक। तो याद रखिएगा वह गैस मीथेन गैस है। ठीक है मीथेन गैस जो है देखो आपका सेप्टिक टैंक से बाहर निकलता है, सभी को जो है ध्यान में रखना है। ठीक है चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपका यह दिया गया है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, विच इज अ नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, वह कौन सा अधातु है जो कि देखो आपका तरल अवस्था में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे, सभी का आंसर आना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, जल्दी से सबको करेंगे। तो तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु पूछे तो ब्रोमीन। ठीक है अधातु पूछेगा तो क्या करेंगे? तो याद रखना अगर आपसे अधातु पूछेगा मतलब कि नॉन मेटल, अधातु पूछेगा मतलब कि नॉन मेटल, तो क्या कर देंगे? तो अधातु नॉन मेटल में करेंगे ब्रोमीन को। पूछा हुआ सवाल है, पिछला 4 साल से इंडियन आर्मी में आ रहा है, इस साल भी आने का पूरा चांस है, सबको नोट कर लेना। और यही अगर आपसे धातु पूछा जाएगा जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है तो क्या करोगे? चलो देखते हैं कौन कौन बता पाते हो, तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, मेटल कौन सा है, तरल अवस्था में कौन सा मेटल पाया जाता है? तो तरल अवस्था में जो मेटल पाया जाता है ये है देखो आपका पारा, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, सबको नोट कर लेना। दोनों का दोनों पूछती है इंडियन आर्मी, चाहे टेक्निकल का दो एग्जाम, चाहे जीडी का दो, चाहे ट्रेडमैन का दो या फिर नर्सिंग असिस्टेंट का दो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो अगला सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया गया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, रदरफोर्ड, कैवेंडिश, डेवी या फिर प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज जो है किसके द्वारा की गई, निम्न में से वह कौन है जिसने ऑक्सीजन का खोज किया, तो ऑक्सीजन का जो खोज है यह देखो प्रिस्टले के द्वारा किया गया है। क्या होता है सही आंसर, तो ऑप्शन डी, डी की हो तो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, नर्सिंग असिस्टेंट एंड आपका जीडी और टेक्निकल तीनों का पेपर का सवाल है, तीनों में पूछा है, नर्सिंग असिस्टेंट में, टेक्निकल में और जीडी में। चलो देखते हैं किसका किसका सही जाता है। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर रेडॉन, कौन से गैस का प्रयोग करते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो सिगरेट लाइटर में देखो ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही किए हो, ऐसे ही करते रहोगे तो आर्मी का पेपर कोई नहीं रोक रहा है, इस बार सबको अग्निपथ आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन करोगे, सबको अग्निवीर बनोगे, सबको जो है आर्मी की वर्दी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब याद रखिएगा, पूछा जाता है कि एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबको इसको ध्यान में रखना है, एलपीजी में भी जो है देखो ब्यूटेन गैस ही पाया जाता है, ठीक है, एलपीजी में भी सबको ध्यान में रखेंगे, दोनों का दोनों पूछा है, सिगरेट लाइटर और एलपीजी। चलो पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे, जीडी एंड नर्सिंग असिस्टेंट दोनों में आ रखा है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, डायलिसिस, हिमोलिसिस, थर्मोलिसिस या फिर वेरोमेटपिस, क्या होगा सही आंसर, चलो देखते हैं किसका किसका आता है, बिल्कुल सही सबको करना और बताना है, तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जो है देखो डायलिसिस बोलते हैं, क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन ए, ठीक है, डायलिसिस कहा जाता है, सबको जो है ध्यान में रखना है। चलो अगला सवाल यहाँ पे है आपका, देखो यह दिया गया है कि दही का खटापन निम्न के कारण होता है, सॉर्नेस ऑफ कर्ड इज ड्यू टू, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर डी में है, इनमें से कोई नहीं, दही का जो खटापन है या निम्न में से किसके कारण होता है, जो दही का खटापन है या किसकी वजह से होता है, तो जो दही का खटापन है यह देखो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, क्या हो गया सही आंसर, तो राइट आंसर है देखो ऑप्शन बी, ठीक है, बी की हो तो बिल्कुल सही बताए हो, बी किसका किसका आया है, बहुत बढ़िया, सबका बी आया है, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे अधिक तन्य धातु है, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड, टंगस्टन, आयरन या फिर सिल्वर, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, क्या होगा सही आंसर, पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का, जीडी में आया है, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे, सबसे अधिक यहाँ पे आपका जो है कौन सा तन्य धातु होता है, तो सबसे अधिक तन्य धातु जो है यह देखो गोल्ड है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, गोल्ड है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, यकृत, कॉर्निया, दांत की परत, रेटिना, पूछा हुआ सवाल है, जीडी एंड ट्रेडमैन दोनों में आ रखा है, चलिए देखते हैं किसका किसका सही जाता है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। अब देखो जब मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जीडी और ट्रेडमैन में आया है, इसका मतलब समझो कि जो भी जीडी और ट्रेडमैन का एग्जाम देने वाले हो आपके लिए बीबीआई क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इंडियन आर्मी प्रीवियस ईयर वाला सवाल हमेशा रिपीट कर देती है, तो इसीलिए सबको सही करोगे। अब देखते हैं जो भी जीडी और ट्रेडमैन वाले हो सबका सही जाना चाहिए, क्या आंसर आ रहा है, तो कर रो सी, दांत की परत को, ठीक है, जिसको कि एनमिल बोलते हैं, याद रखना है सबको, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही सबने किया है। चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो, और आपका जीएस का अंतिम सवाल है, इसके बाद आपका मैथ शुरू हो जाएगा, जो आपका 30 नंबर सवाल है कि किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, व्हाट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, आयोडीन 141, सोडियम 124, फास्फोरस 32 या फिर कोबाल्ट 60, क्या होगा सही आंसर, चलो देखते हैं किसका किसका आता है, बिल्कुल सही सबका आना चाहिए, बिल्कुल सही जो है सबको करेंगे और बताएंगे। 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा के लिए हमारी बिल्कुल नई ईबुक लॉन्च हो चुकी है, एक ईबुक है देखो जो कि जनरल ड्यूटी, मेन मिलिट्री पुलिस और ट्रेड्समैन के लिए है, इसमें आपकी 25 मॉडल टेस्ट पेपर दी हुई है और 10 जो है देखो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इसमें आपको मिलेंगे, इसकी जो प्राइस है यह देखो 90 रुपये है और स्पेशल ऑफर केवल आपके लिए 25 मार्च तक है, 199 नहीं मात्र 90 रुपये में, देखो 25 मॉडल सेट पेपर है और 10 अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर है, 13 नवंबर वाले और 15 जनवरी वाले, पूरा मैथ रीजनिंग सोल्व किया हुआ है, फुल सॉल्यूशन है हिंदी इंग्लिश में। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है
ये जो नंबर दिख रहा है आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है 90 रुपी का, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है, फिर जो है ई बुक है ये आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ देखो एक और ई बुक है जो कि आपकी अग्निवीर आर्मी, जी डी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेसमेंट, टेक, नर्सिंग स्टेशन क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका स्टैटिक जी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सारा चीज दिया हुआ है, पूरा का पूरा जीके जीएस दिया हुआ है। इसमें देखो आपके 4000+ क्वेश्चन है, और इसको पढ़ लो जीके जीएस में 30 में से 30 क्वेश्चन बनाओगे जीके जीएस में। और ये वाला जो ईबुक है इसको पढ़ने के बाद 15 में से 15 मैथ के सवाल और 5 में से 5 रीजनिंग के सवाल, टोटल 50 में से 50 सवाल सही करोगे इन दोनों किताबों को पढ़ के, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इसको पढ़ लो बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2023 में सारा जीके जीएस यहीं से होगा। ये जीके जीएस वाला है देखो आपका 99 रुपी का, 199 का नहीं, ये भी ऑफर चल रहा है केवल 25 मार्च तक आप खरीदते हैं तो। खरीदने के लिए यही करना है कि इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको देखो इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर जो है सेंड कर देना है, और फिर उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर ये ईबुक पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ये वाला जो जीके जीएस वाला ईबुक है इसमें आपका टोटल ये देखो टॉपिक वाइज क्लास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजनीति शास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, खेलकूद, भारतीय जनजाति सारी चीजें दी हुई है, पूरा का पूरा कवर आपका किया हुआ है, सारी चीजें हैं। तो एक किताब है देखो 90 रुपए का, एक किताब है देखो 99 रुपए का, दोनों को अलग अलग जोड़ोगे तो होगा 189 रुपीज होगा आपका, लेकिन अगर साथ में आप सब पेमेंट करते हो तो आपको पेमेंट करना है केवल 160 रुपए का, और आपको ये दोनों किताब मिल जाएगा अलग अलग, देखो हो जाएगा 189 रुपया, करीब करीब 30 रुपया देखो आपका ऐसे बच जाएगा ऑफर में, 25 मार्च तक आपको ये मिलने वाला है। अगर आप 160 का पेमेंट करेंगे तो आपको ये दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए क्या करना है तो इसी नंबर पर देखो पेमेंट कर लेना है, पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो मैं यही बोलूंगा दोनों किताब बाय कर लो 160 रुपए में, 50 में से 50 सवाल जो हो सही करोगे इंडियन आर्मी का पेपर में। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं तो करते हैं देखो कोबाल्ट 60 का उपयोग। क्या हो गया सही आंसर तो ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सबने किया है। चलो अब आपका मैथ का सवाल रहेगा और सबका सही जाना चाहिए। चलो मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 है, यह देखो दिया हुआ है आपका 81 है, इसका घात लगा हुआ है 3/4, इसका पावर है 3/4। ठीक है, कैसे बनाएंगे तो देखो जो 81 है ये 3 का पावर 4 कर दोगे तो आपका 81 होता है। कैसे तो 3 3 9 9 3 27 27 2 81। ठीक है, और फिर इंटू में ये देखो आपका दिया हुआ है 3 का घात 4, 4 से देखो 4 कट गए मतलब कि आपका कितना हो गया तो ये हो गया देखो 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। क्या हो गया सही आंसर तो ऑप्शन डी। कौन कौन डी किए हो, बहुत बढ़िया, डी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे डी किए हो, बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। चलो अगला सवाल देखो यहां पे आपको मिला हुआ है, ये सवाल है देखो आपका ऐसे लिखा गया है a इंटू बी इक्वल टू में है देखो ए स्क्वायर प्लस में है ए बी और प्लस में है बी स्क्वायर। देखो a इंटू बी की जगह पे आपको दिया हुआ है 2 गुना 3, मतलब क्या करेंगे तो a की जगह पे 2 रख देंगे, b की जगह पे 3 रख देंगे। चलो इधर करके निकाल दो तो 2 रखे तो हो गया देखो 2 का स्क्वायर। बिल्कुल इजी तरीके से बनाऊंगा ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, सबको समझ में ऐसे बनाया जाएगा। ठीक है, a इंटू बी मतलब की 2 गुना 3 प्लस में बी स्क्वायर मतलब की 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 3 गुनी कितना हो गया 6, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 6 4 10 और 9 कितना होता है तो यह देखो 19 होता है। किसका किसका 19 आया है, कौन कौन 19 किए हो, बिल्कुल सही बतायो, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, 19 जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है सी, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है यहां पे देखो कि वॉट का 52% इक्वल टू में है देखो आपका 182। ठीक है, क्या करेंगे देखो वॉट इक्वल टू हमने मान लिया एक्स, मतलब क्या हो गया तो एक्स का मतलब गुना और 52% प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे लगेगा बटा में 100। ठीक है, बराबर में कितना आ गया 182 आ गया। अब x बराबर इसको उधर भेज दो मतलब कि 182 गुना में 100 नीचे आ गया बटा में 52 कितना होगा देखो 2 से कट करते हैं 50 बार में, 2 से कट करेंगे तो देखो 26 बार में, 26 से 182 को कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा तो देखो 7 6 होता है 42 और 7 2 14 और 4 18 तो 7 बार में कट हो गया। x बराबर कितना आ गया तो यह देखो आ गया 7 गुना 50 मतलब कि 350 आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी सही होगा। किसका किसका बी गया है, बहुत अच्छा, बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बी यदि आप सबने किया है तो बिल्कुल सही जो है आप सबने बनाया और लगभग ने बी किया है, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही सबका आंसर है, बहुत बढ़िया। देखो आपका ऐसे लिखा हुआ है 8/ में वॉट है, अगला दिया हुआ है देखो आपका वॉट बाय में 50। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, क्या कर लेंगे देखो वॉट की जगह मानो एक्स रख लिए
तो 8/x आ गया, बराबर में आपका x बटा में 50 आ गया। ठीक है, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x गुना x किए तो x स्क्वायर हो गया, 8 गुना 50 किए तो 8 पचे कितना होता है 40 होता है, मतलब कि 400। अब x बराबर में स्क्वायर उधर भेजोगे तो इधर आके रूट लग जाएगा, रूट में हो गया 400। 400 किसका स्क्वायर होता है तो 20 का होता है, तो सही आंसर कितना हो गया ऑप्शन बी 20। 20 करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल देखो, मिला हुआ है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। क्या कर लेंगे, देखो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे माना संख्या बराबर में x। ठीक है, क्या बोला, वह कौन सा संख्या है जिसमें 13 से गुना करने पर, तो 13x हो गया, अब मानो से वृद्धि हो रहा है, मतलब कि एक को घटाना पड़ेगा, तो 13x-x कितना बढ़ जा रहा है, तो 180 बढ़ जा रहा है, तो बराबर में आ गया, देखो 180 घटाए क्यों, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, वो बढ़ रहा है इसलिए। अब देखो अब क्या हो जाएगा आपका, तो 13x में से जब x घटाओगे तो बचेगा कितना, 12x बचा, बराबर में आ गया देखो 180। x बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 180 बटा में 12। 12 से कट करोगे तो कितना बार में, तो यह देखो 15 बार में कट हो जाएगा। सही आंसर क्या होता है, तो ऑप्शन बी, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि सुरेश प्रतिदिन 450 मिलीलीटर दूध पीता है, वह 2 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगा, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है और करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, देखो कि जो सुरेश है वह प्रतिदिन 450 मिलीलीटर पीता है, तो हमको बताना है 2 सप्ताह में। अच्छा 2 सप्ताह में कितना होता है, तो देखो आपका होता है 14 दिन। ठीक है, तो एक दिन में कितना पी रहा है, एक दिन में पी रहा है देखो 450 मिलीलीटर, तो निकाल देंगे कितना दिन का, 14 दिन का। तो 14 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा 14 गुना में कर दो यहाँ पे 450। 14 गुना 450 कितना करेंगे, तो पहले 45 गुना में 14 करके देख लो, तो 5 का कितना होता है 20 हो गया, 4 का 16 और फिर कितना हो गया 2, तो आ गया देखो 180 गुना में आ गया यहाँ पे देखो 45। कितना बचा 0, 8 और 5 13 कैरी किया, एक हासिल एक हुआ, 4 1 5 और 1 6 मतलब की 630, तो हो गया देखो 630, 10 प्लस लगा हुआ है, तो 6300 मिलीलीटर अभी आपका आया है। ठीक है, यहां तक आपको देखो बताना है लीटर में, आपको क्या करना है, आपको बताना है लीटर में, अभी आपका है मिलीलीटर, लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो लीटर में बदलने के लिए जो है देखो 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 6300 बटा में हो गया देखो 1000, क्या हो गया देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब कितना है आपका, तो 6300 बटा 10 है, नीचे 1 जीरो, इसलिए क्या करेंगे एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब की जो सही आंसर है यह देखो होगा 6.3 लीटर। किसका किसका आया है, चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यह क्वेश्चन है कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो फिर से वही लिख लेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग माना संख्या बराबर हमारा क्या है, तो वो हो गया x। क्या बोला देखो, 54 से उतना अधिक है, 54 से अधिक है मतलब कि 54 कम है, तो हो गया x माइनस 54, और बराबर में 82 से कम है मतलब कि 82 माइनस x 82 माइनस x। ठीक है, अब x को एक तरफ ला लो, अंक को एक तरफ भेज दो, तो ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो x प्लस x हो गया, इधर गया तो ये हो गया देखो आपका 82 प्लस में 54, इधर प्लस में आएगा माइनस में है, तो x और x हो गया देखो आपका 2x, बराबर में कितना, तो 4 और 2 हो गया 6 8 5 हो गया 13। अब कितना आ जाएगा, तो अब हो गया देखो x इक्वल टू 136 बटा में 2, 2 6 12 2 8 16, मतलब कि सही आंसर कितना है, तो यह देखो 68 है। ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, एक ये हो तो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत ही अच्छे। ठीक है, 68 सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पे औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो निकाल लेंगे पहले 5 संख्या का कुल औसत। ठीक है, 5 संख्या का कुल औसत कितना है, तो यह देखो हो गया आपका 5 गुना में 18, 18 पचे कितना होता है देखो 90 होता है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो अब देखो लिख लेंगे पहले 4 संख्या का कुल औसत। ठीक है, अब क्या किया हमने, तो 4 संख्या का कुल औसत लिख लेंगे, एक संख्या छोड़ रहा है तो 4 संख्या हो गया, अब 4 औसत कितना है 16, तो 4 गुना 16 16 चुके कितना होता है 64। ठीक है, यहाँ पे अब क्या किया हमने, देखो तो 90 माइनस 64 कितना बचा, तो देखो बचा 26। कितना आंसर आया, बी सही आंसर है, यदि बी की हो तो बिल्कुल सही आंसर आया है सबका। ठीक है, 64 जो है आपका देखो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपका दिया गया है कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं, यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा कर दिया जाए तो कितनी कतारें बनेंगी, यह जो है देखो आपको यहाँ पे बताना है और करना है। ठीक है,
तो देखो क्या बोला, तो टोटल कितना बना रहा है, तो 30 छात्र बना रहा है, इनका कतार कितना हो रहा है, तो 16 हो रहा है, ठीक है। और फिर बराबर में क्या करेंगे, तो 24 छात्र हैं, अब इनका कतार हमको बताना है कितना है, ये हमको पता नहीं है, तो इसको मानो हमने x मान लिया। अब क्या हो गया, तो देखो 30 गुना 16 हो गया, 24 इधर गुना में है, तो इधर आएगा बट्टा में, नीचे 24 हो गया, बराबर में x हो गया। देखो 16 से 4 बार में, अब सॉरी 4 से कितना बार में, सबसे पहले देखो 8 से 2 बार में, फिर 8 से कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। अब 3 से कितना बार में, तो 10 बार में, मतलब कि x इक्वल टू कितना आ गया, तो x इक्वल टू आ गया देखो 10 गुना 2, जो सही आंसर है यह देखो हो गया 20। अगर 20 की हो तो बिल्कुल सही बताए हो, क्या हो गया सही आंसर, तो यह देखो हो गया आपका ऑप्शन ए 20, यह जो है आपका देखो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बी आंसर, ए आंसर बिल्कुल सही है, 20 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखो मिला हुआ है, ये क्वेश्चन देखो हमने पहले किया है, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहले करवा दिया गया है, इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे, अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो लिख लेंगे समीना की वर्तमान आयु, हम लोग देखो मान ले रहे हैं पहले समीना की जो वर्तमान आयु है, इसको देखो हमने लिख लिया 7x, पहले समीना है तो पहले 7, तो 7x हो गया। अगला में क्या बोला है, देखो सुहाना की वर्तमान आयु, ठीक है, सुहाना की वर्तमान आयु, तो ये कितना हो गया, देखो 3 है, तो ये हो गया 3x। अब क्या बोला, 6 वर्ष बाद इनकी आयु, तो 6 वर्ष बाद, मतलब कि 7x+6, और फिर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 3x+6, कितना हो जा रहा है, तो इनका अनुपात जो है 5:3 हो जा रहा है, ये जो है 5/3 हो गया। अब इनको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 3 × 7 कितना होता है, तो हो गया देखो 21x, और 6 × 3 हो गया आपका 18, बराबर में 5 × 3 कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 15x, और फिर आपका हो गया देखो 6×5=30, ठीक है। यहां तक सबको याद होंगे, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करो, अंक को एक तरफ कर दो और जो x वाला है उसको एक तरफ कर दो, ठीक है। तो ये हो गया देखो आपका 21x माइनस में 15x, बराबर में हो गया देखो 30 − 18, कितना बचा, तो यह देखो हो गया यहाँ पे 6x, बराबर में आपका आया देखो 12, 6 से कितना बार में, 2 बार है, मतलब कि x इक्वल टू आपका देखो आ रहा है 2, x का मान कितना है, तो 2 है। तो सबसे पहले क्या किए, 7 × 2, तो ये हो गया 14, अब ये 3 है, तो 3 × 2, तो ये भी कितना हो गया, 14। क्या बोला, इनकी आयु में कितने का अंतर है, सॉरी 3 × 2 किए तो 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया। अब आपको क्या बोला था, देखो इनकी आयु में कितना अंतर है, ठीक है, तो अंतर कितना है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, 14 में से 6 को घटा दीजिए, मतलब कि कितना का अंतर है, तो अंतर है देखो आपका 9 वर्ष का, क्या हो गया सही आंसर, तो राइट आंसर है देखो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 8 वर्ष का, ठीक है, मैं 9 लिख रहा हूँ, सॉरी 8 वर्ष होगा, ए आंसर सही है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यह देखो ए होगा, ठीक है, 9 वर्ष नहीं 8 वर्ष है, क्योंकि जब 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आता है, ठीक है। क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन ए हो गया सबका यहाँ तक, चलिए ए होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखो आपका ये यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। आज आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो सही नहीं हो पाए, जल्दी जल्दी टाइपिंग के चक्कर में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन गलत गया है, ठीक है। चलो ये सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य इतना है, क्या बोला, देखो 5 लॉकेट एंड जो है आपका 8 जंजीर, ठीक है, क्या हो गया देखो 8 जंजीर का कुल मूल्य कितना है, तो ये है देखो आपका 14 57 85, ठीक है। अब क्या बोला है, तो अब देखो बोला है आपका 15 लॉकेट एंड जो है 24 जंजीर, ठीक है, 15 लॉकेट एंड 24 जंजीर बोला है, अब बताना है इसका मूल्य कितना होगा, तो 5 लॉकेट है, तो ये देखो जस्ट क्या हुआ, 3 गुना करके आपसे पूछ रहा है, देखो 8 × 3 = 24, यहाँ पे भी 3 गुना, यहाँ पे 5 × 3 = 15, सीधे 3 गुना पूछ रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा 14 × 5 = 7 8 × 5 में क्या करेंगे, देखो 3 से हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि 3 गुना करके पूछ रहा है, तो 3 से गुना कीजिए, तो कितना आएगा, देखो 5 × 3 = 15, हासिल बचा है कैरी किया 1, 8 × 3 = 24, और 1 होता है देखो आपका 25, फिर से हासिल बच गया 1, कैरी किया 25, तो कैरी किया 2, हासिल 2 है अभी आपका 7 × 21, और 2 कितना होता है 23 होता है, हासिल बचा हुआ है 2, 5 × 3 = 15, और 2 हो गया 17, फिर बचा 1, 4 × 3 = 12, और 1 × 13, अब बचा हुआ है हाथ में हासिल आपका 1, 3 × 3 और 1 हो गया 4, तो सही आंसर देखो आपका होगा डी में नन ऑफ डीज, जो सही आंसर है यह देखो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, डी जो है आपका सही आंसर है, अगर डी की हो सबको तो बिल्कुल सही आंसर। चलो हो गया यहाँ पे डी आना चाहिए। चलो अब ये देखो आपका रीजनिंग का सवाल है, आगे आपका मैथ का 2 और क्वेश्चन है, पर रीजनिंग बीच बीच में आपका हो गया, थोड़ा सा मिस अरेंज हो गया है ये। चलिए तो रीजनिंग का सवाल है यहाँ पे देखो आपका, अभी पहले ए वाई डी, फिर है देखो आपका बी वी एफ, फिर है देखो आपका डी आर एच, अब यहाँ पे बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो ए से बी आने में क्या किया, प्लस किया, बी से डी आने में क्या किया, तो देखो प्लस में सी किया, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जस्ट अगला लिख दिया है और यहाँ पे एक छोड़ के लिखा है,
तो अब क्या होगा देखो अगला आपका, तो यदि यहाँ पे बिना कुछ छोड़े लिखा तो अगला डिजिट लिख दिया था, यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के लिखा तो अगला में वो क्या करेंगे दो डिजिट छोड़ के लिखेंगे, मतलब कि डी के बाद आता है ई उसको भी छोड़ेंगे, एफ आता है उसको भी छोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया जी हो गया। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पे मिला हुआ है आर, आर का अगला निकालते हैं देखो, तो वाई के बाद भी क्या होता है देखो, तो भी के बाद आपका आता है डब्लू, तब आता है एक्स, ठीक है, फिर होता है वाई। अब देखो भी के बाद अगला में चलते हैं, अगला में है आर, तो क्या होता है देखो पी क्यू आर, आर के बाद आता है देखो एस टी यू, तो यहाँ पे तीन डिजिट छोड़ा, देखो यहाँ पे दो डिजिट छोड़ा है, यहाँ पे जो आपका तीन डिजिट छोड़ा है, तो अगला में क्या करेंगे अगला हम लोग चार डिजिट छोड़ देंगे, तो आर, तो आर से पहले लगाओ यहाँ पे, तो क्या होता है तो देखो आपका होता है यहाँ पे कितना आएगा, तो देखो एम एन ओ कितना लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे लोग एन से लिखते हैं, ठीक है, एन ओ पी क्यू, मतलब कि यहाँ पे हमको क्या करना होगा तो एम लिखना होगा, ठीक है, तब जाके चार डिजिट छूटेगा। अगला क्या है देखो डी है, डी के बाद क्या किया एफ, ठीक है, डी के बाद आपका देखो कर दिया है एफ, तो डी के बाद एफ जाने में क्या किया तो प्लस में ई किया, अगला डिजिट लिखा, एफ के बाद क्या आता है तो एफ के बाद जी, तो फिर से एक डिजिट किया, अब एच के बाद क्या करेंगे तो आई जे, मतलब कि हमारा सही आंसर होगा देखो यहाँ पे जे, जी एम जे जो है आपका सही आंसर है, राइट आंसर होगा देखो आपका ऑप्शन बी, बी आना चाहिए सबका, बी की हो तो बिल्कुल सही है आपका, यहाँ पे देखो बी आएगा, ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, देखते हैं कौन कौन कर पाते हो, आपके लिए आज का होमवर्क है सभी को जो इसका आंसर है यह देखो कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने ये क्वेश्चन पहले करवाया हुआ है और ये जो है आर्मी का प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, तो यह जो क्वेश्चन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबको कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लास एंड होने के बाद। चलो यहाँ पे आपका देखो सवाल जो है रीजनिंग का रहेगा, अब आपका मैथ कंप्लीट हो गया, रीजनिंग का सवाल है देखो, यह दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद जो है दूसरे पद से, देखो बुक का संबंध लगा है रीड से, ठीक है, कैसे लिखा गया देखो ऐसा लिखा हुआ है बुक जो है ये रीड से संबंधित है, तो उसी प्रकार जो आपका स्पीच है, जो आपका स्पीच है यह देखो किससे संबंधित होगा, तो देखो किताब को क्या करते हैं, किताब को देखो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, किताब को क्या करते हैं तो किताब को देखो रीड करते हैं, किताब को जो है पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार जो स्पीच है इसको क्या करते हैं, तो इसको जो है देखो हम लोग लिसन करते हैं, इसको जो हम लोग सुनते हैं, तो सही आंसर क्या होगा तो यह देखो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी जो है आपका देखो सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे है आपका देखो, यह दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह सवाल है देखो ऐसे लिखा गया है आपको, छह के बाद यहाँ पे वॉट लगा हुआ है, फिर रेशियो है, प्रोपोर्शन है आपका, फिर देखो पांच के बाद अनुपात में 35 है, चलिए सबको करेंगे और बताएंगे देखो, तो यहाँ पे क्या किया हमने देखो एक्स मान लेना है, तो 6:x हो गया, फिर यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन का चिन्ह है 5:35 हो गया, तो ये कितना हो गया, तो ये देखो 6/x हो गया बराबर में 5/, ये देखो 35 आ गया। ठीक है आपका यहाँ तक, अब क्या होगा देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो ये देखो 5x हो गया बराबर में हो गया देखो 35 × 6, अब x बराबर कितना आ जाएगा, तो यह देखो हो गया 35 × 6/5, 5 से देखो 7 बार में, 7 × 6 किए तो कितना आएगा, तो यह देखो 42 आएगा, 42 आपका सही आंसर है, क्या होगा राइट आंसर तो ऑप्शन सी। ठीक है, सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, अगर सी की हो तो बिल्कुल सही जो है सबका यहाँ पे आंसर है, बहुत बढ़िया, सी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो कि नीचे दिए गए पांच में से चार किसी एक से हैं, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं और कौन सा उस समूह में शामिल नहीं है, मतलब कि आपको यहाँ पे विषम बताना है, आपको जो है यहाँ पे देखो अलग बताना है, गंगा चंबल यमुना ब्रह्मपुत्र कौन सा जो है अलग है, यह जो है यहाँ पे आपको करना है और बताना है, तो देखो गंगा यमुना और चंबल ये तीनों के तीनों देखो कहीं ना कहीं हिमालय के छोर से निकलते हैं, हिमालय के भाग से निकलते हैं, पर चंबल नदी में ऐसा नहीं है, इसलिए जो हमारा सही आंसर है यह देखो ऑप्शन बी चंबल होगा। ठीक है, सबको यहाँ पे ध्यान रखना है, सही आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अब जो है आपका देखो आज का यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 49 नंबर सवाल है कि जिस प्रकार रेडियो श्रोता से संबंधित है उसी प्रकार जो फिल्म है यह किससे संबंधित होगा, प्रोड्यूसर से, अभिनेता से, या फिर आपका दर्शक से, या फिर आपका डायरेक्टर से, जिस प्रकार जो रेडियो है यह देखो श्रोता से संबंधित है उसी प्रकार जो फिल्म है यह किससे संबंधित होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो देखो जिस प्रकार जो रेडियो है यह आपका श्रोता से संबंधित है उसी प्रकार जो फिल्म है यह देखो आपका दर्शक से संबंधित है, कैसे, तो रेडियो को श्रोता सुनते हैं, ठीक है, और जो फिल्म है इसको देखो दर्शक देखते हैं, तो इस प्रकार सही आंसर क्या होगा, तो यह देखो ऑप्शन सी हो जाएगा, दर्शक हो गया सबका। चलो अब जो है आपका आज का अंतिम सवाल है यहाँ पे, यह जो है आपको यहाँ पे दिया गया है देखो 50 नंबर सवाल है, सबको करेंगे और बताएंगे कि महिला का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा इसके पति
मेरे पिता के इकलौते लड़के हैं, महिला का मोहन से किस प्रकार संबंध है, महिला जो है मोहन से किस प्रकार संबंधित है। अंतिम क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे और सही बताएंगे। देखो आज जो है आपका जीके का 15 सवाल हो गया, आपका जीएस का भी जो है 15 सवाल हो गया है, मैथ का जो है देखो आपका टोटल आज 13 सवाल था और रीजनिंग का जो है देखो 5 सवाल था। कितना हो गया, तो टोटल देखो आपका आज 48 क्वेश्चन था। तो सबको इसको जरूर बताना है कि 48 में से जो है आप सबने कितने सवालों को सही किया। मैथ में देखो सिलेबस के अनुसार 15 सवाल होने चाहिए थे पर 2 सवाल आज नहीं थे। सबको करेंगे और बताएंगे 48 में से आपने कितने सवालों को सही किया है, ठीक है। और जाते जाते सभी क्लास को लाइक जरूर कर देना, सभी लोग शेयर बटन जरूर प्रेस करेंगे, और जो भी चैनल पे नए होंगे, जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। देखो क्या बोला है कि महिला का परिचय देते हुए मोहन ने कहा कि इसके जो पति हैं वो मेरे पिता के, मोहन अपने पिता के बारे में बोल रहा है कि वो जो मेरे पिता के इकलौते लड़के, तो वो अपने ही बारे में बता रहा है। मोहन के पिता का इकलौता लड़का तो खुद मोहन ही हो गया ना, तो मोहन महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसके पति के बारे में बता रहा था, मतलब कि वह जो उसका पति है। हमारा सही आंसर क्या होगा, तो यह देखो ऑप्शन ए होगा, वह क्या हो गया, तो वह उसका पति हो गया। कैसे, तो देखो क्या बोला था कि इसके पति जो है वह मेरे पिता के इकलौते लड़के हैं। अब मोहन है इसका बाप का इकलौता बेटा, तो खुद के बाप के बारे में बता रहे हो कि इकलौता है, तो वही हो गया मोहन ही हो गया। इस प्रकार मोहन ही जो है उसका पति है, ठीक है। सही आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन ए। चलिए जरूर सब करेंगे और बताएंगे 48 में से आपने कितने सवालों को सही किया है। अगर 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा में 50 में से 50 सवाल सही करना चाहते हो तो हमारी बिल्कुल नई ईबुक, दो ईबुक आ चुकी है। एक है जीडी मेन मिलिट्री पुलिस टेस्टमैन के लिए, इसमें आपके 25 मॉडल टेस्ट पेपर दिए हुए हैं, 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर दिए हुए हैं, मैथ रीजनिंग पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये 25 मॉडल टेस्ट पेपर और 10 अग्निवीर ओरिजिनल पेपर वाला आपको देखो मिल रहा है मात्र 90 रुपए में। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देना, फिर ये आपको सेंड कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अगला जो ईबुक है हमारा ये है देखो आपका यहाँ पे अग्निवीर आर्मी जीडी मेन मिलिट्री पुलिस ट्रीटमेंट टेक नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क का, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर। 4000 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जीके जीएस का निचोड़ है। इसको पढ़ लो, 30 में से 30 जीके जीएस का सवाल सही करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, इसको पढ़ लो बस, जीके जीएस 2023 में और कहीं से नहीं आएगा, सारा का सारा जीके जीएस यहीं से होने वाला है। ये है देखो मात्र 99 रुपए का, ये भी आपको मिल रहा है केवल 25 मार्च तक। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दिया जाएगा। तो एक है देखो 90 रुपए का, एक है देखो आपका 99 रुपए का, दोनों अलग अलग लोगे, दोनों अगर अलग अलग लेते हो तो आपको हो जाएगा 189 रुपीज, जो कि आपको अगर साथ में लोगे तो इसके जगह 189 की जगह पेमेंट करना है केवल 160 रुपए का। तो अलग अलग होता है देखो, 189 साथ में करने पर हो जाएगा 160 का केवल, टोटल आपके करीब करीब 30 रुपए कम हो जा रहे हैं। तो 160 रुपए में आपको ये दोनों किताब मिल रहा है। खरीदने के लिए क्या करना है, तो 160 का पेमेंट कर लेना इसी नंबर पे, और पेमेंट करने के बाद फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड कर देना, फिर ये ईबुक आपको सेंड कर दिया जाएगा। इन दोनों किताबों को पढ़ लो, 30 में से 30 जीके जीएस इसमें से हो जाएगा, 15 मैथ और 5 रीजनिंग इसमें से हो जाएगा। टोटल 50 में से 50 सवाल सही करोगे मात्र 160 रुपए का, दो किताब खरीद के। तो सभी लोग जरूर बाय कर लेना।